हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ बहुत ही कॉमन और पॉपुलर सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, आलू बीन्स की ड्राई सब्जी। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है, इसे हम किसी भी वक्त खाने में साइड डिश की तरह बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। मैं इंद्रजीत कौर, वेज जायका में आपका स्वागत है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस सब्जी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम बीन्स ली हैं। बीन्स को मैंने अच्छी तरह से धोकर इस तरह से छोटा छोटा काट लिया है, और साथ में ही मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 मीडियम साइज के आलू। आलूओं को मैंने छील कर इस तरह के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ज्यादा बड़े भी नहीं है, छोटे भी नहीं है। आलूओं को मैंने पानी के अंदर काट के रखा है, जिससे कि ये काले नहीं पड़ेंगे। हमारे आलू और बीन्स कट चुके हैं, अब हम उसको तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ, और कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून सरसों का तेल डालकर इसे गर्म कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से गर्म करेंगे। सरसों के तेल के अलावा आप जो भी ऑयल यूज करते हैं उसमें सब्जी बना सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल है वो हेल्दी होता है, और वैसे भी मैं सूखी सब्जियां सरसों के तेल में ही ज्यादातर बनाती हूँ। और जब सरसों का तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, तब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून सरसों, सरसों के दाने हैं जो, साथ में 1/2 टीस्पून जीरा और थोड़ी सी हींग डाल देंगे। और जब ये राई, जीरा, हींग थोड़े से फ्राई हो जाएंगे ना, तब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट। ये 2 टेबलस्पून पेस्ट बनाया है मैंने। इसमें मैंने 5-7 लहसुन की कली, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 4 से 5 हरी मिर्ची डालकर इन्हें मिक्सी में ग्राइंड करके इनका पेस्ट बना लिया है। इन्हें हम थोड़ी देर तक भूनेंगे, बस बहुत ज्यादा नहीं भूनना। लहसुन अदरक और हरी मिर्ची का बारीक पेस्ट बना के इसका तड़का लगाए ना, तो सब्जी में बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है इसका। और 1-2 मिनट तक भूनने के बाद ये देखिए मसाला जो है हमारा काफी भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए आलू। ये जो हमने काट के रखे हुए थे ना, ये सारे के सारे हम इसमें डाल देंगे मसाले के साथ। और आलूओं के साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कटा हुआ प्याज। इस तरह से कटा हुआ प्याज है ये, ना ज्यादा मोटा ना बारीक। अब इन्हें हम थोड़ी देर तक मसाले के साथ मिक्स करेंगे ऑयल में ही। आपने देखा होगा मैंने प्याज तड़के में नहीं डाला है, इसे मैंने आलूओं के साथ डाला है। अब इसके साथ हम भूनेंगे इन्हें अच्छी तरह से। पहले तो इन्हें हम 1-2 मिनट तक इस तरह ही भून लेंगे बिना ढके हुए ही। और गैस की फ्लेम को अब हम मीडियम कर देंगे, और इन आलूओं को थोड़ी देर के लिए हम ढक देंगे। अब यहाँ पर मुझे आलूओं को ढककर पकाते हुए 1-1.5 मिनट हो चुका है, तो इसे बस मैं अभी इतना ही पकाऊंगी। ये देखिए, अब इतनी देर पकाने के बाद अब हम इसमें बीन्स ऐड करेंगे। ये जो काट के रखी है ना हमने बीन्स, ये बारीक बारीक ये वाली बीन्स को हम बड़े साइज में भी काट सकते हैं, लेकिन आज मैं बारीक वाली काट के बना रही हूँ। आलूओं को मैंने इसलिए पहले पकाया है क्योंकि आलू बीन्स के कंपेरिजन में थोड़ी सी देर से पकते हैं, तो पहले थोड़े से पक जाएंगे, उनको थोड़ी सी स्टीम लग जाएगी, तो उसके बाद हम इसमें ये बीन्स डालेंगे कटी हुई, तो इससे सारी सब्जी एक सी पक जाएगी और बहुत ही बढ़िया बनेगी ये सब्जी। अब इन बीन्स, सारी बीन्स को आलूओं में हम मिक्स कर देंगे एक बार अच्छी तरह से। अब ये देखिए मैंने इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अभी हम इसमें कोई मसाले नहीं डालेंगे, और अब इसे फिर से ढक देंगे। इसे ढक के मीडियम फ्लेम पर, मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे ढककर कम से कम 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे अभी। और अभी मैंने बताया कि सब्जी को 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे, लेकिन हम बीच में 1-2 बार इसको चला भी लेंगे, जिससे कि जो हमारी सब्जी है ना वो बर्तन में कढ़ाई में नीचे ना लग जाए। तो इसे एक बार चला के फिर से ढक देंगे। अब ये देखिए मैंने इसको एक बार चला दिया है ना, तो अब हम इसे वापस ढक देंगे। अब यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम पर सब्जी को पकाते हुए मुझे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम एक बार चेक कर लेते हैं अपनी सब्जी। पहले एक बार इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और ये जो सब्जी है ना, ये 70-80% तक पक चुकी है, और जब ये 70-80% तक पक जाए ना, तब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मैं सूखी सब्जी में हमेशा मसाले बाद में ही ऐड करती हूँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ही अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक,
एक टीस्पून धनिया पाउडर भी ऐड कर देंगे, आधा टीस्पून गरम मसाला और आधा टीस्पून ही लाल मिर्ची पाउडर भी। सारे मसाले मैंने एक साथ ही डाल दिए हैं इसमें। अब इन मसालों को हम अच्छी तरह से सब्जी के अंदर मिक्स कर देंगे। बाद में मसाले डालने से क्या होता है ना कि सब्जियों में जो मसालों का फ्लेवर है वो भी एकदम बढ़िया आता है, मसाले जलते भी नहीं है और इसका लुक है ना जो कलर सब्जी का वो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा बनता है। अभी भी आप देखना कितनी बढ़िया सब्जी बनेगी हमारी आज। ये देखिए सब्जी को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि ये सारे मसाले जो हैं वो सब्जी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं सारे। अब ये सारे मसाले मिक्स करने के बाद ना हम इसे एक आध मिनट तक फिर से ढक देंगे और फ्लेम अपनी वही रखेंगे मीडियम टू लो ही। बस एक आध मिनट ढकने के बाद अब हम इसे थोड़ी देर खुली पकाएंगे। एक बार मिक्स कर देंगे, अब इसे हम थोड़ी देर खुला ही बिना ढके पकाएंगे। बहुत ज्यादा देर ढकने से क्या होगा कि बीन्स का कलर चेंज हो जाता है, एकदम हरी हरी सी नहीं रहती। अब देखिए इस टाइम बीन्स का कलर बहुत बढ़िया है ना, एकदम ग्रीन ग्रीन लग रही है। तो अब हम इसे जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है सब्जी में उसे बिना ढके ही पकाएंगे। अब थोड़ी देर पकाने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए आलू बहुत ही अच्छी तरह से पक चुके हैं और जो बीन्स हैं वो भी पक चुकी हैं, बहुत ही बढ़िया एकदम। अब हमारी सब्जी यहाँ पर पूरी तरह से पक चुकी है। तो अब जब सब्जी पूरी तरह से पक जाए ना तो उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा करीब 1/4 टीस्पून के करीब आमचूर पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा चटपटा टेस्ट देने के लिए हम आमचूर पाउडर की जगह इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप चाट मसाला यूज करेंगे ना तो नमक को हिसाब से यूज कीजिए, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। तो इसलिए नमक पहले कम डालिए, चेक करके फिर बाद में और डाल सकते हैं। अब मैंने आमचूर को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दिया है। तो अब देखिए हमारी बढ़िया सी एकदम यम्मी सब्जी तैयार है। अब यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इस बढ़िया सी आलू बीन्स की सब्जी को हम दाल के साथ, कड़ी के साथ लंच या डिनर में खाएं, बहुत ही स्वाद लगती है। और खासकर इसे अगर गुजराती कड़ी के साथ खाएं ना तो इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। कितनी जल्दी बन गई हमारी फटाफट बनने वाली ये आलू बीन्स की सब्जी रेडी है। इसे पराठे के साथ खाएं ना ब्रेकफास्ट में या लंच में तो भी ये बहुत ही स्वाद लगती है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया बनी है सब्जी। तो ये लीजिए झटपट से बन जाने वाली आलू बीन्स की सब्जी को आप बनाइए, खाइए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे और आगे से मैं अच्छी से अच्छी रेसिपीज की वीडियो आपके लिए लेकर आऊं। थैंक यू।